अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एक्स टीवी और मैं हूं आपका होस्ट काशिफ। आज हम आपको लेके आए लोक विरसा और यहां पे जो रियल आर्टिस्ट हैं उनके साथ आपकी मुलाकात कराएंगे, जो लोग जेन्युइन काम कर रहे हैं, बना बनाया काम लेके किसी से बेचते नहीं हैं, जो खुद अपने हाथ से एक चीज़ को तैयार करते हैं। तो ऐसे एक आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आज इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना तारीफ करेंगे। मेरा नाम है हनीफुल्ला खान, हनीफ खान। मैं पेंटिंग्स पे लिखता हूँ और अपनी जो पेंटिंग्स है उसका मौजू मैंने पाकिस्तान को बनाया है, पाकिस्तान की गलियाँ, पाकिस्तान के बागात, पाकिस्तान के जो फोक पेंटिंग्स हैं, मतलब कल्चर जिसमें लोग काम कर रहे हैं, किसान वगैरह ये, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो तारीखी मकामात हैं उनको मैंने अपने पेंटिंग्स का मौजू बनाया और इसका नाम रखा कंस्ट्रक्टिव आर्ट। कंस्ट्रक्टिव आर्ट 1912 में एक रशियन आर्टिस्ट थे, उन्होंने मुतारिफ कराया था लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका था, लेकिन फिर मैंने जब उसको दोबारा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कामयाब रहा और बहुत अच्छा। मुझे ये बताइए कि सबसे पहले मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर ये जो शौक कैसे पैदा हुआ, आपको कैसे पता चल गया कि मैं म्यूजियम में ये फन मौजूद है? जी जी जी। हुआ यूँ था कि मैं अपने स्कूल में जब पढ़ता था तो मेरा शौक था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा, क्योंकि मेरा वालिद वगैरह सारा उन सब का था और इसके लिए मेरे सिलेक्शन जो कुछ हुए थे मैट्रिक के बाद पहले हो जाते थे, बल्कि मैट्रिक के दौरान ही, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही हुआ। लेकिन मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने, क्योंकि मैं स्कूल में आर्ट करता रहता था और स्कूल के जो आर्ट के कंपटीशन वगैरह होते थे उनमें मेरी पोजीशन आती रहती थी, उसकी वजह ये थी कि ये मेरी वालदा का शौक़ था, तो मेरी वालदा जो है वो इन आर्ट को और इन किस्म की चीज़ों को वो पसंद करती थी, तो वो देखकर मैं भी करता था। फिर मुझे मेरे टीचर्स वगैरह ने मुझे ये कहा कि बजाय इसके कि तुम कोई और शोभा करो, ये इसमें बहुत अच्छा है, तुम आर्ट कॉलेज में जाके एडमिशन ले लो। मैं जब एक एग्जीबिशन हो रही थी उसमें जाके मैंने हिस्सा लिया तो वहाँ की जो एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी उन्होंने मुझे फ्री में एडमिशन दे दिया अपने कॉलेज में। 92 में सिर्फ दो ही थे, एक लाहौर में था ये NCA और एक कराची में था, और अगर कोई कहीं हो तो उसका नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये दो ही थे और कोई था ही नहीं। तो मैं मुझे जो है ना कराची में मौका मिला तो मैंने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया और जब से मैं फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा फाइन आर्ट की एजुकेशन ली और फिर आर्ट ये करता रहा। तो ये शौक को प्रोफेशन में बदलने का ख्याल कैसे आ गया कि चलें कुछ लोग होते हैं घर पे कर लिया, दोस्तों के लिए कुछ काम कर लिया, लेकिन एज ए प्रोफेशन अपनाने का कैसे ख्याल आया? असल में बात ये थी कि जब मैंने काम किया ना तो मैंने सोचा कि अब कर रहा हूँ तो उज़त मेरी ये बेवकूफ़ी थी कि मैं ये समझ रहा था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट बनूं, और मैं अपने दोस्तों में मजाक में कहता था कि ये जो है ना ज़रा कोई मजाक कर रहे होते थे ना तो उनसे कहता था कि ख्याल से बात करो, मैं इस सदी का अजीम मुसव्विर, एक ज़माना आएगा लोग कहेंगे। काम पे कोई वो मजाक उड़ाते थे ना, कभी पेंटिंग सही नहीं बनती थी या कुछ, तो ये एक मजाक था। तो बस वो फिर इस वजह से जो है ना मेरे जहन में ये था, तो फिर मैं इसमें जब करता रहा तो वो रास्ते अल्लाह ताला खुद ही बनाता गया और वो प्रोफेशन। तो ये अभी आपने एग्जीबिशन का बताया, एग्जीबिशन आपकी कहाँ कहाँ पे हुई हैं और कोई प्राइज़ भी आपने विन किया? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने आपको बताया था कि 4 नेशनल अवार्ड जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के आर्टिस्ट शामिल थे, और मुझे लगा कि वो जो है ना वो कोई अच्छे आर्टिस्ट उसमें हिस्सा नहीं लिया तो वो मुझे मिल गया 4 दफ़ा, वरना तो मेरे तो ऐसा आर्ट है नहीं और पाकिस्तान में एक से एक मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला ने मुझे 4 दफ़ा नेशनल अवार्ड जी। तो एग्जीबिशन किस किस मुल्क में हो चुकी है आपके जो आर्ट की है? अच्छा, मेरी एग्जीबिशन पाकिस्तान में तो 52 हुई है, लेकिन इसके अलावा 6 एग्जीबिशन पाकिस्तान से बाहर की। या अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये सारी एग्जीबिशन जो हुई ये प्राइवेट लोगों ने बगैर किसी मुझे अपने प्रॉफिट के मेरी एग्जीबिशंस करवाई, और जो सेल जो कुछ हुई वो पूरी की पूरी मुझे दे दी। ये मतलब ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो आर्ट को इतना पसंद करते हैं, इतना प्रोमोट करते हैं कि उन्होंने अपने उस पर जो है ना मुझे एग्जीबिशन अपने खर्चे पे करवाई। तो उसमें यह था कि 2 मेरी हुई थी सऊदीया में, 2 दुबई में, 1 लॉस एंजलिस में, और 1 और हुई थी लेकिन उसमें मैं शामिल नहीं था, मेरी पेंटिंग्स की हुई थी, वो भी हमें काम है। सही जी। तो अभी तक जो आपने माशाल्लाह आपका करियर है, इसमें कोई आपका मास्टरपीस जो आपको पर्सनली बड़ा पसंद है कि ये मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन है? होता ही हूँ कि जब बना रहा होता हूँ तो उस तो लगता है कि बहुत
मास्टरपीस है, लेकिन जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं देखता हूँ दूर से खड़ा होकर उसे, फिर मैं ये सोचता हूँ ये इसमें वो बात नहीं आई जो मैं सोच रहा था। तो ये पता नहीं क्या बात है, हर पेंटिंग में मेरा इसी तरह होता है। तो फिर मैंने सोचा पता नहीं है, हर पेंटिंग जब कंप्लीट करता हूँ फिर उसको दूर से देखता हूँ, फिर जाके सोचता हूँ कि इसमें तो वो बात नहीं आई जो मैं चाह रहा था, तो अभी तक तो मास्टरपीस बना ही नहीं। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप टीचर भी हैं, उस्ताद हैं, तो बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो जो आजकल की नई आने वाली नस्ल है उसका इंटरेस्ट कितना है आर्ट के अंदर? अच्छा, पाकिस्तान के अंदर देखें आर्ट का जो है ना पसंद करना या आर्ट का, ये हर बंदे के अंदर, हर बंदे में। इसकी मिसाल अभी मैं आपको देता हूँ, एक गधा गाड़ी वाला होता वो जा रहा होगा तो उसने भी अपने जो है ना गधा गाड़ी पे कुछ कलर वगैरह कुछ फूल कुछ अपनी हिसाब से बनाए हुए होते हैं, और इसी तरह ट्रकों पर होता था, इसी तरह हर चीज़ पर होता था। तो वो करते करते जो आजकल ट्रक आर्ट हो गए ना, ये वही सलाहियत है जो आम आदमी की थी, उस आदमी की जिसको आर्ट का कुछ नहीं पता था लेकिन उसके अंदर सलाहियत थी, तो उसने कुछ किया, वो चलते चलते जो है ना वो एक शेप इख्तियार कर गया और वो जो है ना एक आर्ट बन गया। ठीक है, तो अभी आप कितने 2-3 साल से शायद पढ़ा भी रहे हैं जी, तो आपके अपने कोई स्टूडेंट्स जो अभी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं कुछ इस तरह का है? जी जी, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा वो किया है, लेकिन मैंने क्योंकि क्लास होती है ना तो उसमें तो 50 स्टूडेंट कम अज़ कम होते हैं, तो इतने बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं लेकिन वो उनमें लड़कियों की तादाद क्योंकि ज़्यादा होती है, तो अक्सर जो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियतें थी तो उनकी या तो शादी हो गई या वो कहीं चली गई, तो इस तरह जो है ना ये आर्ट का ये है। अभी जो लड़कों में था वो ज़रा कम है लड़कों में, लेकिन जो लड़के काम कर रहे हैं उनके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सही वो कर रहे हैं। आप खुद भी उस्ताद हैं, तो जो आपने किसी वैसे बकायदा उस्ताद से सीखा है या मतलब जस्ट उनको फॉलो किया हुआ? नहीं, इसमें यह था कि देखें एक होती है आर्ट की एजुकेशन, वो भी मैंने ली। उसके बाद हुआ यूँ कि जो आर्ट के एक्सपर्ट्स हैं ना हर एक, उनके पास मैं जाता और उनसे सीखता। अच्छा, ये इस तरह नहीं होता था, हमारे मेरे एक ड्राइंग टीचर थे स्कूल के, वो मुझे गाइड करते थे कि अभी आप फलाने टीचर हैं आर्ट के, वो लैंडस्केप एक्सपर्ट हैं, उनसे जाके वो खुद बात करते हैं कि वो स्टूडेंट आएगा आप ज़रा उनको कुछ टाइम दे दें। तो 2-1.5 साल वो उनके साथ काम करता था, फिर वो जो है ना वो जो मेरे ड्राइंग टीचर थे वही मेरे असल में टीचर थे, फिर वो मुझे गाइड करते कि अब जो है ना कुछ वक्त इनसे पूछ कर कि मैं थोड़ा सा वक्त जो है ना कैलीग्राफी के लिए फलां साहब से, तो जो उस वक्त के एक्सपर्ट कैलीग्राफर्स थे फिर उनके पास जाकर थोड़े सा ये, तो 2-3 साल फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने बाकायदा इसकी एजुकेशन के साथ साथ जो उस वक्त के मास्टर थे ना उनसे भी एजुकेशन ली, तो उससे मुझे ये पता चला कि पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपर्ट है ना उनके अंदर बेसिक जो एजुकेशन से ही आता है कि आर्ट के एलिमेंट्स और उनके इनका जो है ना कंपोजिशन कहाँ कैसी परफेक्शन आती है, कहाँ से पेंटिंग शुरू करना है कब ख़त्म करना है, ये एजुकेशन से आ जाता है। लेकिन इसमें स्किल जो है ना ये असाज़ा के साथ रहकर आती है, अगर असाज़ा के साथ नहीं रहें तो यूँ समझ लीजिए कि सिर्फ मालूमात होती है, उस पर कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। तो ये जो असाज़ा हैं उनके साथ रहने से ये होता है कि प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हो जाता है और इंसान जो है ना एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि कहते हैं जी एक आर्टिस्ट जो होता है ना गॉड गिफ्टेड, उसके अंदर आर्ट आ जाता है या टैलेंट आ जाता है, लेकिन उसको निखारने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभी जो अपने स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी इनिशियली स्टार्ट करवाया है, कभी किसी के कोई एग्जीबिशन कहीं पे हुई हो या कोई किसी इवेंट पे बुलाया गया हो? यानी कि मेरे शागिर्दों में से आप पूछ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं, इनमें से बहुत से जो हैं अच्छी अच्छी जगहों पर टीचर्स भी हैं इस वक्त और वो आर्ट भी कर रहे हैं, कुछ जो है कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसी में डायरेक्टर वगैरह भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, मगर इसमें उनकी अपनी मेहनत भी शामिल है। इसके अलावा आप कैलीग्राफी भी करते हैं? जी जी। तो उसके हवाले से बताएंगे अभी तक क्या आपने बनाया है, कहीं वो उसकी भी एग्जीबिशन हुई है? उसकी एग्जीबिशन भी हुई है, और जो मैंने अब ये नया आर्ट बनाया है ना कंस्ट्रक्टिव आर्ट, इसके अंदर कैलीग्राफी, मॉडर्न आर्ट और पाकिस्तान का जो आर्किटेक्चर है, इन तीनों को मिक्स किया, जिसके भी आपने वो बनाए और इनको मिक्स करने के बाद इसको जो है ना बनाया, फिर इसका नाम मैंने कंस्ट्रक्टिव आर्ट रखा। एक जो अनपढ़ आर्टिस्ट है जिसके पास तालीम नहीं है लेकिन उसके पास हुनर है, जी जी जी, और एक बंदा जो पढ़ा लिखा है उसने तालीम भी ली है, जी, तो उसमें आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं एक पढ़े लिखे आर्टिस्ट में और जिसके पास तालीम नहीं है उस फन से मतलब? इसमें फ़र्क ये होता है कि मिसाल के तौर पर एक तस्वीर बनाई, एक फ्रेम में बनाई, अब जो जिसके पास एजुकेशन होगी वो ये सोचेगा कि इसके अंदर हाईलाइट कहाँ से आना चाहिए, नंबर एक, इस
इसका राइट और लेफ्ट से कितना फासला होना चाहिए और इसके सर के ऊपर जो जगह पोर्ट्रेट में होती है वो कितना होना चाहिए। इसी तरह जब वो पेंटिंग करेगा तो पेंटिंग के अंदर ये सोचेगा कि इसमें डी एरिया कहाँ रखूँ और इसकी जो कंपोजिशंस के और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, जब वो पेंटिंग में ब्रश इस्तेमाल करेगा ना तो वो ये सोचेगा स्ट्रोक जो है ना, ये मैं क्रिस क्रॉस में अगर काम कर रहा हूँ तो पूरी पेंटिंग उसी में होना चाहिए। ये नहीं होगा कि कहीं वो उसने स्ट्रोक लगा दिए कोई से और कहीं पर जो है ना फुल टोन में, कहीं पर हाफ टोन में, कहीं पर कट कलर और कहीं पर जो है ना क्रिस क्रॉस में आ गया। मतलब हमारे यहाँ तो जैसे हमने बोला कि अवेयरनेस कम है, लोगों का आर्ट में इंटरेस्ट भी बहुत कम है। बिल्कुल। तो अभी आप देखने वालों का कैमरा आपके सामने कुछ कहना चाहते हैं पाकिस्तानी आवाम को आर्ट के हवाले से, कल्चर के हवाले से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखें, आर्ट बहुत सी चीज़ें सिखाता है। सबसे पहले तो वो ये सिखाता है कि सुकून से, इसमें हर काम सब्र से होता है। बाज़ारों में हर जगह देखें, सब्र नहीं होने की वजह से बहुत से मामलात हो रहे होते हैं। सब्र नहीं होने की वजह से बहुत, अगर थोड़ा सा रुक जाए तो एक्सीडेंट ये वो सारे ना हो, तो एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो कंपोजिशन सबसे पहली है ना कि किस तरह क्या करना है, वो आ जाए तो बंदा खुद ही, मिसाल के तौर पर लाइन में जा रहे हैं ना तो उसे पता है कि मैं बाज़ दफ़ा ट्रैफिक में देखता हूँ कि अगर वो सीधी जा रही है, अगर वो दो मिनट रुक जाएँ तो ये सारी ट्रैफिक एक पाँच मिनट में सारा क्लियर हो जाएगा और ये चले जाएंगे। लेकिन क्या होता है, वो सब्र नहीं और वो नहीं तो भी एक साइड से आता है, दूसरा उस साइड से, और वो रोड जाम हो जाता है। तो ये आपको देखें कि अगर कंपोजिशन और इसका वो बंदों में हो तो वो किस तरह उसको जो है ना उसी वक्त मैनेज करना है, ट्रैफिक की ज़रूरत ही नहीं है।